परमेश्वर के दैनिक वचन। तुम मानव प्रकृति को कैसे समझते हो? अपनी प्रकृति को समझने का वास्तविक अर्थ है अपनी आत्मा की गहराई का विश्लेषण करना। इसमें वो शामिल है जो तुम्हारे जीवन में है। यही शैतान का तर्क और शैतान के दृष्टिकोण हैं, जिनके अनुसार तुम जीते आ रहे हो। केवल अपने आत्मा के गहरे हिस्सों को निकाल करके ही तुम अपनी प्रकृति को समझ सकते हो। इन चीजों को कैसे निकाला जा सकता है? मात्र एक या दो घटनाओं द्वारा उन्हें निकाला और विश्लेषित नहीं किया जा सकता। कई बार काम खत्म कर लेने के बाद भी तुम्हारे पास कोई समझ नहीं होती। थोड़ी सी भी पहचान और समझ प्राप्त कर सकने में 3 या 5 वर्ष लग सकते हैं। बहुत सी परिस्थितियों में तुम्हें खुद पर मनन कर खुद को जानना चाहिए। जब तुम गहराई तक खोदने का अभ्यास करोगे, तभी तुम परिणाम पाओगे। जैसे जैसे सत्य की तुम्हारी समझ ज्यादा से ज्यादा गहरी होती जाएगी, तुम धीरे धीरे अपने सार और प्रकृति को आत्ममंथन एवं आत्मज्ञान द्वारा जान जाओगे। अपनी प्रकृति को समझने के लिए तुम्हें कुछ चीजों को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम क्या खाना या पहनना पसंद करते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम किस तरह की चीजों का आनंद लेते हो, किन चीजों से तुम ईर्ष्या करते हो, किन चीजों की तुम आराधना करते हो, किन चीजों की तुम्हें तलाश है और किन चीजों की ओर तुम अपने हृदय में ध्यान देते हो। जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आने का तुम आनंद लेते हो, जिस प्रकार की चीजें तुम करना चाहते हो और जिस प्रकार के लोगों को तुम अपने हृदय में आदर्श मानते हो। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो महान हों, जो अपनी बोल चाल में शानदार हों, या ऐसे हों जो वाक्पटु चापलूसी से बात करते हों, या कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो एक ढोंग करते हैं। ये पूर्वोक्त उस बारे में है कि वे कैसे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। जहां तक लोग जिन चीजों को पसंद करते हैं इस बात का प्रश्न है, इसमें शामिल है कुछ चीजों को करने के लिए तैयार होना, जिन्हें करना आसान है उन चीजों को करने का आनंद लेना, जिन्हें दूसरे अच्छा मानते हैं और जिनके कारण लोगों की प्रशंसा और सराहनाएं मिलेंगी। लोगों की प्रकृति में जिन चीजों को वे पसंद करते हैं उनकी
एक जैसी विशिष्टता होती है, अर्थात वे उन लोगों, घटनाओं और चीजों को पसंद करते हैं जिनके बाहरी दिखावे की वजह से अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उन लोगों, घटनाओं और चीजों को पसंद करते हैं जो सुंदर और शानदार दिखते हैं, और वे उन लोगों, घटनाओं और चीजों को पसंद करते हैं जो अपनी दिखावट के कारण अन्य लोगों से अपनी आराधना करवाते हैं। ये चीजें जिन्हें लोग अत्यधिक पसंद करते हैं, वे बढ़िया, चमकदार, भव्य और आलीशान होती हैं। सभी लोग इन चीजों की आराधना करते हैं। ये देखा जा सकता है कि लोगों में कोई सच्चाई नहीं होती है, ना ही उनमें वास्तविक मानव की सदृशता होती है। इन चीजों की आराधना करने का लेश मात्र भी महत्व नहीं है, मगर लोग तब भी इन चीजों को पसंद करते हैं। तुम क्या पसंद करते हो? तुम किस पर ध्यान केंद्रित करते हो? तुम किसकी आराधना करते हो? तुम किसकी ईर्ष्या करते हो? और रोज तुम अपने दिल में क्या सोचते हो? ये सब तुम्हारी अपनी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये इसे साबित करने के लिए पर्याप्त है कि तुम्हारी प्रकृति अधार्मिकता की शौकीन है, और गंभीर परिस्थितियों में तुम्हारी प्रकृति बुरी और असाध्य है। तुम्हें इस तरह अपनी प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात ये जांचो कि तुम क्या पसंद करते हो और तुम अपने जीवन में क्या त्यागते हो। शायद तुम कुछ समय के लिए किसी के प्रति अच्छे हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम उनके चाहने वाले हो। जिसके तुम वाकई शौकीन हो, वो ठीक वो है जो तुम्हारी प्रकृति में है, भले ही तुम्हारी हड्डियां टूट गई हो, तुम फिर भी उसका आनंद लोगे और कभी भी इसे त्याग नहीं पाओगे। इसे बदलना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए एक साथी को ढूंढने की बात लो। यदि कोई महिला वास्तव में किसी के प्यार में पड़ जाए तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, यहां तक कि अगर उसकी टांग भी तोड़ दी जाए तब भी वो उसके साथ ही रहना चाहेगी। अगर उसे उसके साथ विवाह करने का अर्थ उस महिला की मृत्यु हो तो भी वो विवाह करना चाहेगी। ये कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति उसे नहीं बदल सकता जो लोगों के अंदर गहराई में होता है। यहां तक कि अगर कोई मर भी जाए तो भी उसकी आत्मा बस वही चीजें ले जाएगी। ये चीजें मानव प्रकृति की हैं और वे किसी व्यक्ति के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोग जिन चीजों के शौकीन होते हैं उनमें कुछ अधार्मिकता होती है। कुछ लोग
उन चीजों के अपने शौक में स्पष्ट होते हैं और कुछ नहीं होते। कुछ तो उन्हें अत्यधिक पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ लोगों में आत्मनियंत्रण होता है और कुछ स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते। कुछ लोग अंधकारपूर्ण चीजों में डूबने के आदि होते हैं, जिससे साबित होता है कि उनके पास जीवन का लेश मात्र भी नहीं है। यदि लोग उन चीजों के वशीभूत और उनसे नियंत्रित न होने में समर्थ होते हैं, तो इससे साबित होता है कि उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया है और उनके पास थोड़ा कद है। कुछ लोग कुछ सत्य समझते हैं और महसूस करते हैं कि उनके पास जीवन है और वे परमेश्वर से प्यार करते हैं। वास्तव में ये अभी भी बहुत जल्दी है और अपने स्वभाव को बदलना कोई आसान बात नहीं है। क्या अपनी प्रकृति को समझना आसान है? अगर तुम इसे थोड़ा समझ भी गए तो भी इसे बदलना आसान नहीं होगा। ये लोगों के लिए एक कठिन काम है। तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, मामले या चीजें चाहे कैसे भी बदलें और चाहे दुनिया कैसे भी उलट पुलट हो जाए, अगर सत्य तुम्हारा भीतर से मार्गदर्शन कर रहा है, यदि उसने तुम्हारे भीतर जड़ें जमा ली हैं और परमेश्वर के वचन तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी प्राथमिकताओं का, तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारे अस्तित्व का मार्गदर्शन करते हैं, तो उस बिंदु पर तुम वास्तव में बदल गए होगे। अब ये तथाकथित रूपांतरण केवल लोगों में थोड़े सहयोग, थोड़े उत्साह और विश्वास का होना है, लेकिन इसे रूपांतरण नहीं माना जा सकता और इससे ये साबित नहीं होता कि लोगों के पास जीवन है। ये सिर्फ लोगों की प्राथमिकताएं हैं और कुछ नहीं। अपनी प्रकृति में लोग जिन चीजों को पसंद करते हैं, उन्हें उजागर करने के अलावा उनकी प्रकृति से संबंधित अन्य पहलुओं को भी उजागर करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, चीजों पर लोगों के दृष्टिकोण, लोगों के तरीके और जीवन के लक्ष्य, लोगों के जीवन के मूल्य और जीवन पर दृष्टिकोण, साथ ही सच्चाई से संबंधित सभी चीजों पर उनकी राय, ये सभी चीजें लोगों की आत्मा के भीतर गहरी समाई हुई हैं और स्वभाव में परिवर्तन के साथ उनका एक सीधा संबंध है। तो फिर भ्रष्ट मनुष्य का क्या जीवन दृष्टिकोण है? इसे इस तरह कहा जा सकता है, हर कोई बस अपनी चिंता करे और जो पीछे रह गए उन्हें भले ही शैतान ले जाए। सभी लोग अपने लिए जीते हैं। अधिक स्पष्टता से कहें तो वे देह सुख के लिए जी रहे हैं। वे केवल अपने मुंह में भोजन डालने के लिए जीते हैं
उनका ये अस्तित्व जानवरों के अस्तित्व से किस तरह भिन्न है? इस तरह जीने का कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ होने की तो बात ही छोड़ दो। व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण इस बारे में होता है कि दुनिया में जीने के लिए तुम किस पर भरोसा करते हो, तुम किसके लिए जीते हो और किस तरह जीते हो, और इन सभी चीजों का मानव प्रकृति के सार से लेना देना है। लोगों की प्रकृति का विश्लेषण करके तुम देखोगे कि सभी लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। वे सभी शैतान हैं और वास्तव में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। केवल लोगों की प्रकृति का विश्लेषण करके ही तुम वास्तव में मनुष्य के सार और उसकी भ्रष्टता को जान सकते हो और समझ सकते हो कि लोग वास्तव में किस से संबंध रखते हैं, उनमें वास्तव में क्या कमी है, उन्हें किस चीज से लैस होना चाहिए और उन्हें मानवीय सदृशता को कैसे जीना चाहिए। व्यक्ति की प्रकृति का वास्तव में विश्लेषण कर पाना आसान नहीं है, और वो परमेश्वर के वचनों का अनुभव किए बिना या वास्तविक अनुभव प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता।